हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास आज लेक्चर आ रहा है। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायसराय ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसमें से जो है कंफर्म रहते हैं कि पूछे जाएंगे। इससे पहले जो हम कवर किए हैं वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके नोट्सों के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.homeacademy.in और वहां पर आप ये आर्टिकल जो है पढ़ सकते हैं। इस ब्लू कलर पे जो है जब भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है उस लिंक पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे देंगे, तो आप उसे जाके जो है पढ़िए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वायसराय ऑफ इंडिया। तो वायसराय में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अब देखिए, जो ये 1856 से शुरू होते हैं 1947 तक जो है चलेंगे, तो काफी ज्यादा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी वायसराय है, हम कह सकते हैं बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज है जिनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि पहले लॉर्ड कैनिंग है, फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं, लॉर्ड मायो आते हैं, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आते हैं, लॉर्ड लिंटन आते हैं, डुफरिन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटू, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेल्फोर्ड बहुत से आते हैं। तो आज हमारे से जितने कवर हो जाएंगे वो हम करेंगे। इसके नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिए इससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग आप जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। उसे फिर बाद में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो वेरन हास्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1772 में, और उन्हें गवर्नर जनरल 1773 में बनाया गया एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के बाद। फिर हमने पढ़ा लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक के बारे में, कि उन्हें जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जो को पहले वायसराय बने हैं। इससे पहले ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और फिर जो है यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आखिरी थे जिन्हें जो है वायसराय बना दिया गया। तो कब बनाया गया है ये, 1856 से लेकर जो है 1862 तक रहे। इन्हीं के टाइम में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के वक्त में कौन जो थे वो वायसराय थे इंडिया के। तो याद रखेंगे नाम लॉर्ड कैनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ते, बॉम्बे, मद्रास जो है वो ओपन की 1857 में। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और फर्स्ट वायसराय थे, पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास करने से क्या हुआ, जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको एंड कर दिया गया। जो रूल कर रही थी उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेड्स के लिए आई थी, उस रूल को जो है एंड कर दिया गया। और अब जो है ब्रिटिश जो है वो जो है अपने वायसराय के थ्रू जो है ये यहाँ पर रूल कराएंगे। इसके अलावा जो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैक्स जो है पास किया गया था, जिसपे जो है काफी शोर उठा था, जो इंट्रोडक्शन जो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैक्स हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, जिससे जो है कैप्चर कर लिया था सतारा को 1848 में, फिर जयपुर, संबलपुर, बागात, उदयपुर, झांसी को जो है ऐसा ऐसा जो है वो कैप्चर कर लिया था। मतलब इसको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स के थ्रू जो है कैप्चर किया था, जिसपे काफी जो है प्रोटेस्ट हुई, और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 भी चला। तो इन्होंने जो है आके जो है डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स को जो है विड्रा किया। क्या किया? विड्रा किया। फिर इंडियन पेनल कोड 1859 में आया इंडियन पेनल कोड, इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और पहली बार जो है इनकम टैक्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स जो है पहली बार जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, किस वायसराय के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो लॉर्ड कैनिंग होंगे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पहली बार इनकम टैक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसमें जो है इंडिगो रियर्स भी जो है वो बंगाल में हुए, और इन्हीं के टाइम में जो है कुछ और पॉइंट, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में जो है वो पास किया गया। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दिया जा गया है पॉलिटी में, उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे, विच प्रूव टू बी द लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इसके बाद जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 में जो है पास किया गया। देखिए, अभी सिर्फ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को पास किया गया, लेकिन हाई कोर्ट नहीं बनाए गए। हाई कोर्ट जो है इनके बाद जो है बनते हैं
सर जॉन लॉरेंस के टाइम में 1865 में, तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक्ट पास किया गया है 1861 में, क्या किया गया, एक्ट पास किया गया है, लेकिन जो हाई कोर्ट को ओपन किया गया था वो 1865 में ओपन किया गया था, वो सर जॉन लॉरेंस के टाइम में ओपन किया गया था। बम्बई एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857, इन्हीं इसी टाइम में, और वहाबी मूवमेंट जो थी उसे भी जो है वो सप्रेस किया गया था। अब हम सर जॉन लॉरेंस के ही बारे में पढ़ेंगे, तो एक तो पॉइंट मैं इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्हीं के टाइम में जो है वो हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। ऊपर जो जो था वो सिर्फ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ते में, बम्बई में और मद्रास में 1865 में। आप जानते हो उस वक्त का जो बंगाल था वो उसमें आज का प्रेजेंट बंगाल भी था, और उसमें उड़ीसा भी था और बिहार भी हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन थे ये भी स्टार्ट की गई यूरोप के साथ सर जॉन लॉरेंस के ही टाइम में जो है वो स्टार्ट की गई, और जो इंडियन फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट को भी सर जॉन लॉरेंस के ही टाइम में जो है वो बनाया गया। अब हम बात करने वाले हैं लॉर्ड मायो के बारे में, और लॉर्ड मायो जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही वो एक एक लौते जो है वायसराय थे जिनका मर्डर कर दिया गया था, एक कन्विक्ट थे जिन्होंने इनको अंडोमान आइलैंड में जो है इनको जो है इनका कत्ल कर दिया था। तो लॉर्ड मायो के टाइम में जो है क्या क्या काम हुए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड मेड द फर्स्ट प्रोविंशियल सेटलमेंट इन 1870, पहला काम। ही एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इससे पहले हमने पढ़ा अभी ऊपर इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है लॉर्ड के जो है वो सॉरी सर जॉन लॉरेंस के टाइम में जो है वो स्टार्ट हुआ, और अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो है वो लॉर्ड मायो के टाइम में जो है वो स्टार्ट हुआ, और इन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872 में, जो है फर्स्ट सेंसस जो है वो इंडिया में हुआ, लेकिन याद रखेंगे ये ऑफिशियल सेंसस नहीं था। ऑफिशियल सेंसस जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे कि ऑफिशियल सेंसस जो है कब हुआ, 10 साल के बाद तकरीबन जो है 9 साल के बाद हुआ, तो 1881 में हुआ था। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज तो किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार, तो पहली बार जो है फर्स्ट सेंसस जो है वो इंडिया में हुआ। ही एस्टैब्लिश द राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़, राजकोट कॉलेज जो है काठियावाड़ में खोला गया, और मायो कॉलेज है अजमेर में खोला गया इंडियन प्रिंसेस के लिए। ही वॉज द ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, तो ये वो इकलौते वायसराय थे जिनका मर्डर कर दिया गया था, और ये 1872 में जो है ये कन्विक्ट थे जिन्होंने जिन्होंने इन्हें जो है वो इनका मर्डर कर दिया गया था, और इन्होंने जो है स्टेट रेलवेज का जो है इंट्रोडक्शन किया था, ही इंट्रोड्यूस द स्टेट रेलवेज ऑल्सो। आगे पढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो थे 1872 से लेके 62 तक रहे, इनके लिए जो है दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो है 1872 में जो कुक्का रेबिलियन जो पंजाब में हुई जो कि राम सिंह जो थे चला रहे थे, एक पॉइंट, और उस टाइम जो है बिहार में जो है फेमाइन भी जो है फैल चुका था, ताउन भी फैला हुआ था, और इन्होंने रिजाइन दे दिया था अफगानिस्तान के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक को याद रखेंगे, 3-4 साल ही जो है ये रहे। 1872 में कोका रेबिलियन इनके आते ही स्टार्ट हो चुका था, और जो है फिर फेमाइन भी जो है वो 1876 में रहा। फिर इनके बाद जो आते हैं वो लॉर्ड लिंटन होते हैं, लॉर्ड लिंटन के टाइम में जो है काफी जो है चीजें याद रखनी होगी आपको। एक तो ये मोस्ट अनपॉपुलर थे, इन्हें जो है वायसराय ऑफ द रिवर्स करेक्टर भी कहा जाता था, क्यों, देखिए अब देखिए बिहार में वहां पर फेमाइन चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद जो था पूरी कंट्री में भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ताउन फैल रहा था। इन्होंने आते ही जो है वो मतलब 1877 में जब ये 76 में बने, उसके बाद जो है इन्होंने जो है अरेंज की ग्रैंड दरबार इन दिल्ली, दिल्ली में एक बड़ा दरबार जो है अरेंज किया 1877 में, जब कंट्री जो है सफरिंग थी फेमाइन से ताउन से जो है लड़ रही थी, तो इन्होंने जो है एक ग्रांड जो है वो दरबार दिल्ली में अरेंज किया। इसके अलावा इन्होंने पास किया रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में। अब रॉयल टाइटल एक्ट के तहत इन्होंने क्या काम किया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया को जो है वो डिक्लेयर किया गया, एक टाइटल दिया गया रॉयल टाइटल के, वो केसरी हिंद का टाइटल उन्हें दिया गया। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि क्वीन विक्टोरिया को जो है किस वायसराय के टाइम में जो है केसरी हिंद का टाइटल दिया गया, तो वो लॉर्ड लिंटन होंगे, लिटन होंगे, ठीक
1876 से 80 तक जो है 4 साल तक रहे। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है पास किया आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स एक्ट जो है 1878 में जो है वो पास किया। अब आर्म्स एक्ट के तहत जो है ये क्या हो गया, ये मैंडेटरी हो गया इंडियंस के लिए कि वो जब भी एक वो कोई गन लेंगे उसकी गन के लिए जो है उनको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्होंने इनफेमस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पास किया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये की कि जो आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज जो था उस टाइम, उसकी मैक्सिमम एज जो है 21 से जो है 19 साल कर दी। फिर जो है सेकंड एंग्लो अफगान वार होती है 1878 से जो है 80 तक चलती है, ठीक है, जो कि एक फेलियर बाद में जो है देखा जाता है सेकंड एंग्लो अफगान वार को। फेमाइन कमीशन जो है इन्होंने जो है वो अपॉइंट किया था 1878 में। तो ये आप इनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट जो है याद रखेंगे। अब लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे। लॉर्ड रिपन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड रिपन पे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 तक 4 साल तक जो है ये गवर्नर रहे हैं। इन्होंने इन्हें जो अपॉइंट किया था वो लिबरल पार्टी जो थी उन्होंने अपॉइंट किया था अंडर द ग्लैडस्टोन। इन्होंने आते ही क्या काम किया कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे रिपील कर दिया 1882 में, जो पहले जो है लॉर्ड लिटन जो है वो लेके आए थे, तो उनको इन्होंने जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपील कर दिया गया। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्हें जो है वो जो है कहा जाता है फादर ऑफ द लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन आया हुआ है JKSSB में। तो फर्स्ट जो है फैक्ट्री जो है इन्होंने बनाई कहाँ पर बनाई, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है ये लेके आए, सॉरी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में जो है वो लेके आए। इन्होंने लेबर्स की जो है वो कंडीशन भी जो है वो इम्प्रूव की। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में आया था जिससे जो है लेबर्स की कंडीशन जो है इम्प्रूव की। रेजोल्यूशन लेके आए लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1882 में जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो लेके आते हैं। उसके अलावा जो है लैंड रेवेन्यू जो है पॉलिसी भी इनकी थी उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं। हंटर कमीशन को भी जो है अपॉइंट करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी जो है वो इन्हीं के टाइम में जो है वो इरप्ट हुई थी। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो है इन्हीं के टाइम में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अभी देखिए हम ऊपर पढ़े थे 1872 में जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में जो सेंसस किया गया था, लेकिन वो फर्स्ट ऑफिशियल सर्विस सेंसस नहीं था, बस स्टार्ट हो गया था कि स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है स्टार्ट किया गया पहली बार इंडिया में, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में किया गया। तभी इन्हें जो है फादर ऑफ द लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट भी कहेंगे क्योंकि इन्होंने जो है इसमें भी काम किया, जो जो क्या बोलते हैं जो रूरल एरियाज थे उनके लिए कुछ बोर्ड्स बनाए, लोकल बोर्ड बनाए जैसे कि मद्रास में बनाए। फिर फेमाइन कोड जो है वो अडॉप्ट किया गया 1883 में। हंटर कमीशन को जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो भी इन्हीं के टाइम में इरप्ट हुई। इसमें क्या था कि ये एम्पावर करते थे इंडियन जजेस को कि जो भी इंडियन जज थे कि वो कोई भी यूरोपियन जो है उनका कोई भी केस था पहले वो लड़ नहीं, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद जो है वो कर सकता था। तो इन्हीं के टाइम में जो है वो हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी भी जो है उसकी भी बुनियाद रखी गई इन्हीं के टाइम में। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डुफरिन के बारे में। लॉर्ड डुफरिन जो है आज हम इतने ही पढ़ेंगे, लॉर्ड डुफरिन तक करेंगे फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी बहुत बचेंगे इसके बाद भी। लॉर्ड डुफरिन जो है 1884 से 88 तक रहे। अब देखिए इनके टाइम में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो ब्राम्बे जो बर्मीज वार थी वो हुई और एनेक्जेशन हो गया बर्मा का 1885 में। आप 1885 की डेट तो भूल नहीं सकते हैं कि ये वही डेट थी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है फॉर्मेशन भी हुई, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉपिक को कवर करूंगा, ठीक है। फिर बंगाल टेनेसी एक्ट जो है 1885 में जो है वो आया। डुफरिन को कहा जाता था, डुफरिन ने एक बात कही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ठीक है, ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बस एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने कहा था। तो ये आज हम लॉर्ड डफरिन के बारे में जो है पढ़ चुके। अभी हमने और जो है क्या क्या पढ़ना है, लॉर्ड लैंडसम के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड एलियन सेकंड के बारे में, लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो सेकंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंगे है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये सारे बहुत से हमारे पास है। अभी इनमें मेरे को कुछ चेंजेस भी करनी है और कुछ और भी ऐड करने हैं,
तो इसके लिए नोट्स के लिए जो है आप जो है नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में, आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाके विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने भी अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नोट्स नहीं पढ़े वो भी पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नोट्स भी पढ़ लीजिए, मेन मेन पॉइंट जो है वो उनको जो है वो लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।